मौला फ़िलिस्तीन में बसने वाले तमाम बेगुनाह लोगों पर भी रहम फरमाइए। आप मुश्किल कुशाहे आलमीन के शहज़ादे हैं, मौला अली के लाल हैं, उन सब की भी मुश्किल कुशाही फरमाइए, हाजत रवाई फरमाइए, जायज़ मुरादों को और दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए, निगाह ख़ास फरमाइए। بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। मैं आपको रोज अजमेर शरीफ दरगाह की जियारत करवाता हूं और आपको दुआओं में शामिल करता हूं। तो जब हम और आप गहरी नींद में सोते हैं, जब हम एकदम गहरी नींद में सोते हैं, उस समय सैयद फैसल चिश्ती साहब बहुत ही बेहतरीन दुआ करते हैं आपके लिए, हमारे लिए और पूरी कायनात के लिए। आप अगर सैयद फैसल चिश्ती साहब से दुआएं करवाना चाहते हैं तो उनका नंबर हमने आगे दिया हुआ है, आप उनको व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप उनसे बात कर सकते हैं और आप उनसे अपने लिए दुआएं करवा सकते हैं। तो बिना देर किए हुए आइए, आपको सैयद फैसल चिश्ती साहब वहां की दुआओं में और वहां की जियारत करवा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अस्सलाम वालेकुम। मौला गरीब नवाज़ आप तमाम आशिकों को सलामत रखें, हमेशा अपने दामन के साए में रखें, अपनी हिफाजत में रखें। दुआ करते हैं मौला गरीब नवाज़ की बारगाह में आप सभी के लिए। मौला आप सबको खुशियों के साथ अपनी बारगाह में आने की तौफीक अता फरमाएं। आप सबके परिवार को हमेशा अपने दामन के साए में रखें, अपनी हिफाजत में रखें। अभी खिदमत में तमाम आशिकों का सलाम पेश किया है, जितने आशिकों ने दूर दूर से फ़ोन करके मैसेज करके दुआओं की दरख्वास्त करी हैं, मौला गरीब नवाज़ उन सब का सलाम कबूल फरमाएँ, उन सब की दुआओं को कबूल फरमाएँ और अपनी बारगाह में आने की तौफीक अता फरमाएँ। दुआ करते हैं मौला की बारगाह में आप सभी के लिए। सुभान अल्लाह गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। मौला आपके तमाम आशिकों की हाज़िरी को कबूल फरमाइए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआए खैर, तंदुरुस्ती, जान, सलामती, ईमान, दीनी दुनियावी हर कार, मुश्किलें आसानियत खैर। या हुजूर मौला गरीब नवाज, या आपके तमाम गुलाम, गुलामान गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। मौला इन सब की जायज़ मुरादों को और दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए, इन सब के बेड़ों को पार लगा दीजिए। ये लोग जहाँ भी रहें, हमेशा आपके दामन के चादर के साए में, आपकी हिफाजत में, आपकी पनाह में रखिए। जालिम हाकिम दुश्मनों की निगाह से महफूज रखिए, हर बला बीमारी से महफूज रखिए। मौला बार बार खुशियों के साथ और कामयाबियों के साथ आपकी बारगाह में पूरे परिवार के साथ आने की तौफीक अता फरमाइए। तेरा दयार हद्दार व सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ हैं नहीं सुबह शाम या ख्वाजा। न फिक्र मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, और तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। तेरे गदा है गुनाहगार मुत्तकी दोनों, बुरे भलों पे तेरा फैज़ आम या ख्वाजा। या हुजूर मौला गरीब नवाज, ये जितने आशिक आपकी बारगाह में हाजिर हैं, मौला इन सब की हाज़िरी को कबूल फरमाइए, इन सब के सलाम, दुआ, इल्तिजा, कदम बोसियों को कबूल फरमाइए। मौला जो लोग गैर हाजिर हैं, उनका भी सलाम आपकी बारगाह में पेश करता हूँ, मौला कबूल फरमाइए। उन सब को भी खुशियों के साथ और कामयाबियों के साथ आपकी बारगाह में पूरे परिवार के साथ आने की तौफीक अता फरमाइए। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, और खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। गदा से कह दो कि ना दस्ते तलब दराज करे, यहाँ तो सब को ही मिलता है इल्तिजा के बगैर। बेशक मौला आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं, तमाम आशिकों के दिल के हाल पर निगाह ख़ास फरमाइए। दिल के हर दाग को एक फूल बना दो ख्वाजा, मेरी फरियाद को मकबूल बना दो ख्वाजा। देख लो एक नज़र ख्वाजाए उस माह की कसम, हमने बरसों आपकी चौखट पे गुजारे ख्वाजा। इस तवक्को पे के तकदीर यहाँ बनती है,
जमा हो जाते हैं तकदीर के मारे ख्वाजा। मौला आपके तमाम आशिकों की तकदीरों को सवार दीजिए, हज बैतुल्लाह रोज़ाए रसूलुल्लाह की ज़रत से मुशरफ अता फ़रमाइए, पंजतन पाक की ज़रत से मुशरफ अता फ़रमाइए, पंजतन पाक कसद का गैब से अता फ़रमाइए, तमाम आशिकों को सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फ़रमाइए। या मोहीं अहमद मुरसल की रिसालत के लिए, या मोहीं हैदर व सफदर की विलायत के लिए, या मोहीं हज़रत खातून क़यामत के लिए, या मोहीं शब्बर व शब्बीर की अज़मत के लिए। मौला इन सब के दामन को भर दीजिए हुजूर पंजे तन के लिए। आप जिगर गो शाय रसूल हैं ख्वाजा, आप आले नबी औलाद अली हैं गरीब नवाज, आप मुश्किल कुशाह आलमीन के शहजादे हैं मौला अली के लाल हैं। तमाम आशिकों की मुश्किल कुशाई फरमाइए, हाजत रवाई फरमाइए, जायज़ मुरादों को और दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। मौला जितने भी बुजुर्ग हैं सबको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाइए, सेहतियाबी अता फरमाइए। मौला जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमाइए। मौला जो कर्ज़दार हैं कर्ज़दारी से सुबकदोशी अता फरमाइए। या हुजूर मौला गरीब नवाज दुनिया में किसी का कर्ज़दार और मोहताज ना रखिए, जालिम हाकिम दुश्मनों की निगाह से महफूज रखिए। या हुजूर मौला गरीब नवाज जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमाइए। मौला जो बेरोज़गार हैं उनको बेहतर से बेहतर रोज़गार अता फरमाइए। जिनके घरों में बच्चे बच्चियां जवान हैं मौला उन माँ बाप को अपने बच्चों के फ़राइज़ से अदायगी की तौफीक अता फरमाइए, बच्चों की खुशियां देखना नसीब फरमाइए। सुभान अल्लाह सुभान। बच्चे बच्चियों को अपने वालिदैन की खिदमत करने का जज्बा और हैसियत अता फरमाइए। इल्म की दौलत से और ईमान की दौलत से माला माल फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मौला गरीब नवाज तमाम चाहने वालों को सलामत रखे। हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में आयत करीमा का एहतमाम किया गया है। जिस तरीके से इसराइल की तरफ से जो फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो तमाम सैयदजादगान हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गरीब नवाज के सदक़े में फ़लस्तीन के मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमाए। तो तमाम खुद्दाम हजरात के घर से जितनी सैदानियाँ हैं वो सभी यहाँ बैठ के पर्दे में आयत करीमा ख़त्म यूनुस पढ़ते हैं, ताकि जल्द से जल्द फ़लस्तीन के मुसलमानों की परेशानी दूर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन गरीब नवाज के सदक़े में सबकी दुआओं को कबूल फरमाए और फ़लस्तीन के मुसलमानों की परेशानी को पंजतन पाक के सदक़े में अल्लाह पाक दूर फरमाए। खास दुआ कर रहा है गरीब नवाज की बारगाह में, गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल करे। सुभान अल्लाह। बैनर भी दिखा। सुभान अल्लाह गरीब नवाज सुभान अल्लाह। मौला फ़िलिस्तीन में बसने वाले तमाम बेगुनाह लोगों पर भी रहम फरमाइए। आप मुश्किल कुशाह आलमीन के शहजादे हैं मौला अली के लाल हैं, उन सब की भी मुश्किल कुशाई फरमाइए, हाजत रवाई फरमाइए, जायज़ मुरादों को और दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। निगाह ख़ास फरमाइए। सुभान अल्लाह। मौला ये जितने आशिक दूर दूर से आपकी बारगाह में फ़ोन करके मैसेज करके कमेंट्स करके दुआओं की दरख्वास्त कर रहा है, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।